आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे, और वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम बातचीत करने जा रहे हैं वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल्स। हमने इससे पहले ही क्लासेस में आपको डेटा टाइप बताया था कि डेटा टाइप में क्या क्या है, हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट टाइप में, क्योंकि इससे पहले हमने एक बार ऑब्जेक्ट का यूज भी किया है, तो क्या उसका यूज है, चलिए इसी चीज पे डिस्कस करते हैं। और आपको हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन दे रहे हैं ताकि आप देख सके वह स्क्रीन, और रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में समझाया था आपके साथ डेटा टाइप, जिसमें हम इंटीजर, लॉन्ग, वेरिएबल वगैरह वगैरह के बारे में जाने थे, और ऑब्जेक्ट क्या है और डेटा टाइप क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आप कब यूज किया जाता है, इसके बारे में एक बार जान लीजिए। जैसे आपको मैं बताया था कि डिम आर एज ए आपने कर दिया इंटीजर, या लॉन्ग या डबल या स्ट्रिंग या वेरिएंट, ये सब क्या है डेटा, मतलब एक डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग लिखते हैं आर इक्वल टू 425, बट मुझे एक पर्टिकुलर एरिया को, एक वर्कबुक को, या किसी तरह के एक्शन को हमें अगर स्टोर नहीं, इसमें स्टोर नहीं कहा जाएगा, असाइन कहा जाएगा, असाइन करना हो तो क्या करें, जैसे कि मुझे इस सीट वन के इस रेंज को लिखना होता है, या फॉर्मूले में ही लिखना होता है, तो अगर मान लीजिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वर्क बुक बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट सीट सीट में सीट वन डॉट रेंज, मान लीजिए कॉलन ए से ए, ठीक है। तो इतना बड़ा मुझे लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ए बाई ए रेंज को अगर दो बार यूज किया हुआ, जैसे कि स्टामिस का फॉर्मूला ही ले लीजिए ना, स्टामिस का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको इसी इस वर्कबुक के ए में आपको दो रेंज यूज करने हैं। तो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कि R इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट, मान लीजिए सम इफ लगाया हमने ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले आता है सम रेंज जो कि मान लीजिए सी कॉलन में, तो आपको जो है यहां कॉपी करके यहां सी कॉलन देना पड़ेगा। अब क्राइटेरिया जो है ए कॉलन में, मान लीजिए क्राइटेरिया वन रेंज ए कॉलन में, फिर इसको क्राइटेरिया वन देना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए इस फाइल में आपको आर 10 क्राइटेरिया लगाना है, इतना लंबा कोड आपको लिखना पड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं सर? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। कैसे शॉर्ट करेंगे हम बताते हैं आपको, शॉर्ट करने का तरीका हम यहां पे लिखेंगे, जैसे कि डिम आर एज ए रेंज, आर एक नाम के नहीं होगा, यहां पे मान लीजिए ना सम रेंज, तो एस आर एज रेंज। अब मैं यहां पे करूंगा सेट एस आर इक्वल टू, अब मुझे सम इफ में क्या करना है, सिंपल सा एस आर देना है कॉमा, कितना छोटा हो गया सर। अब यहां पे दो कुछ ही आती है, हमने r एज इंटीजर दिया तो r इक्वल टू 252 लिख दिया डायरेक्ट, बट जब हमने रेंज असाइन किया तो सेट लिखना पड़ा। इसका सिंपल सी बात है कि वैल्यू उसके स्टोर हो रहा है, क्योंकि वैल्यू है स्टोर होगा, बट वर्कबुक का जो रेंज है एक एरिया है, और एरिया रेंज नहीं होता, एरिया जो है वो स्टोर नहीं होता है, वो असाइन होता है। जैसे कि आप तो जमीन खरीदते हो तो जमीन की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री को ट्रांसफर कहा जाता है, मतलब कि मालिकाना हक ट्रांसफर हुआ, जमीन बिक्री थोड़ी होती है, जमीन को आप बैग में डाल के थोड़ी ले जाते हैं, जमीन जहां है वही पर रहती है ना, क्योंकि वो नॉन ट्रांसफरेबल है। इसी तरह से ए बाई ए जो है नॉन ट्रांसफरेबल है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो असाइन हो सकता है।
मतलब ये समझिए ना कि हम लोग डिफाइन नेम करते हैं ना इसमें फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम, ताकि मैं इस बहुत बड़ा एरिया नल लिख के छोटा सा नाम लिख दूं, तो सेम चीज समझिए कि इस पूरे ए कॉलम को इसने एक छोटा सा नाम एस आर दे दिया। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप समझ सबको समझ में आया? जी सर। अब ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेंज ही डिफाइन हो। जैसे मैं अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गया कि मेरा रेंज अलग अलग है, बात समझ में? मैं रेंज जैसे ए बाई ए नहीं दे सकता, मैं इसी फाइल के तीन चार पांच कॉलम यूज करने हैं, तो मुझे पांच छह रेंज लेके फिर उसके ऊपर असाइन करने पड़ेंगे, तो काफी टाइम मेरा इस तरह से वेस्ट हो सकता है और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो सकता है। तो मैं यहां पे सिंपल लिखूंगा कि डिम एस टी एज ए वर्क सी, समझे? अब मैं यहां पे लिखूंगा सिंपल कि सेट सेट एस टी इक्वल टू, अब सब कुछ होगा, बस ये ले लेंगे कॉपी एंड पेस्ट। अब जैसे कि यहां पे हमने एसआर दिया मतलब कि सम रेंज, अब मेरा क्राइटेरिया वन रेंज है इसी सीट का कोई और कॉलन है, तो मैं यहां पे एस टी जैसे डॉट लगाऊंगा सीट के जितने भी मेंबर्स होते हैं सारा मेंबर्स यहां पे आ गया, एस टी एज अ रेंज D by D, ठीक है? और क्राइटेरिया रेंज मान लीजिए कि ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, एंड अगेन एस टी डॉट रेंज हम डाल सकते हैं और इसमें हम कर लेंगे C by D। इस तरह से वर्कशीट डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि एक ही फाइल के कई सारे वर्कबुक है, तो यहां पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि dim w as a workbook, और फिर जहां मुझे सेट करना होगा वर्कबुक सेट करना होगा वहां हम सेट w इक्वल टू हम वर्कबुक दे देंगे, और फिर जो वर्कबुक से होने वाले इवेंट है वो w डॉट दीजिए, सारे इवेंट यहां पे आ जाए। तो आप रेंज ले सकते हो, आप वर्कबुक ले सकते हो, आप एक सीट ले सकते हो, और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज हो सकते हैं, जैसे कि डिम सी एज ए, मैंने यहां पे चार्ट दे दिया कि ये चार्ट है, पी एज ए पिवट, ए पिवट टेबल है, इस तरह से बहुत सारे एक्शन दे सकते हैं और उसके आगे यूज कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट दे दीजिए। ये चीजें मैं आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा कि अब इस पे हम जो है सेट पी इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, अब इसके अंदर मैं वर्ड का ले लूं, पावर पॉइंट ले लूं, आउटलुक ले लूं, एक्सेस ले लूं, सब कुछ ले सकता हूं। अरे कैसे होगा ये आगे क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि अदर एप्लीकेशन कनेक्टिविटी है। लेकिन जैसे कि आपको एक इवेंट को असाइन करना हो, तो आप यहां इवेंट भी असाइन कर सकते हैं कि सेट डब्ल्यू एस इक्वल टू सीट डॉट एड। अब यहां विथ कमांड डाल दीजिए कि विथ डब्ल्यू एस डॉट नेम इक्वल टू मान लीजिए डाटा डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड, ठीक है ना? और भी बहुत सारी चीजें इसमें दे सकते हैं, प्रोटेक्ट टैक्स
पासवर्ड आ गया और फिर यहाँ पे एंड एंड बिट। समझे? तो जब सीट ऐड होते ही उसका नेम डेटा हो जाएगा, उसका टैग रेट हो जाएगा और उसका प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की जैसे मान लीजिए कोई इवेंट करना है आपको और उस पर बहुत सारे इम्प्लीमेंट करने हैं, बहुत सारे उसी पार्ट पे बहुत सारे चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, तो इस तरह की चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे एक नया वर्कबुक मुझे लेना है तो मैं यहाँ पे सेट सेट न्यू वर्कबुक इक्वल टू यहाँ पे वर्कबुक डॉट एड। अब यहाँ पे बिट कमांड लगाइए और फिर न्यू वर्कबुक अब डॉट सेव एज डॉट मूव डॉट कॉपी प्रोटेक्ट वगैरह वगैरह आप इसमें कर सकते हैं। ओके ये हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप था। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को मैंने अभी आपको ये समझिए कि जस्ट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आगे वाली क्लासेस में हम इसको और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसमें और भी यूजर डिफाइन भी आएगा, जैसे न्यू कलेक्शन हो गया, खुद के चीजें भी डिफाइन कर सकते हैं, खुद के वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हम इसमें आपको वेरिएबल पे पढ़ाएंगे आपको। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप समझ में आ गया आपको? किसी को डाउट? सर इसमें जो रेंज है रेंज वाला ऑब्जेक्ट, तो अगर हम नेम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए अलग होगा? नेम डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे डाल दीजिए ना सर। नेम डिफाइन होगा तो फिर आपको वर्कबुक का पास तो देना ही पड़ेगा ना, सीट नहीं दीजिएगा बट वर्कबुक का पास तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, समझे? जैसे आपने डेटा नेम दे दिया तो इसके इन्वर्टर को हमें आपको डेटा देना पड़ेगा, तब आप सीट नहीं दे सकते, डायरेक्ट वर्कशीट डॉट रेंज दे दीजिए और डेटा नाम डाल दीजिए। ओके ओके ठीक है ना, बट ये तो आपको वर्कबुक को भी हैंडल कर रहा है ना। और एक एक ही वर्कबुक पे बहुत सारा रेंज है उसको भी हैंडल कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए। तो आप लोग अभी क्या कीजिए, इस रेफरेंस को लेते हुए पांच पांच एग्जाम्पल आप लोग मुझे बना के दीजिए जिसमें आप ये सारे ऑब्जेक्ट को यूज किए होंगे। फाइव एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो बता दिया ना समीप पे, और जो मैंने वीडियो में जाऊं उस पर मैंने इसका एग्जाम्पल दे रखा हूं। तो एक एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया हुआ, आप मुझे फाइव फाइव एग्जाम्पल बना के दीजिए। आज की क्लास में इतना ही आपको है।